ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे, अपने घरों पे होंगे। और इस वक्त जो कि टाइम आप लोग देख सकते हैं, रात के 12:30 बज रहे हैं, दिन के नहीं रात के 12:30 हैं। और मैं जग रही हूँ क्योंकि मैं मोस्टली रमज़ान में मेरी रूटीन बहुत ख़राब हो गई है। मैं 12-1 बजे सोकर उठती हूँ तो फिर मुझे रात में नींद नहीं आती, तो इस वजह से मैं अभी तक जग रही हूँ। और मैं मोस्टली 2-2:30 बजे मुझे नींद आती है और फिर सहरी में 30 मिनट मुझे बात उठना होता है, तो फिर इसीलिए मैं अभी तक जग रही हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के लिए ब्लॉग बना लेती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को जो अपना आप लोग टाइटल तो देख चुके होंगे, तो आज मैं आप लोग अपने ईद के जो 3 आउटफिट्स हैं 3 दिन के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए पहले आउटफिट की तरफ चलते हैं। तो जी ये है मेरा सबसे पहला आउटफिट जो कि मैं ईद पर पहनूँगी। और इस बार मैंने अपने जितने भी आउटफिट्स लिए हैं वो बहुत ही सिंपल आउटफिट्स मैंने लिए हैं। बहुत ज़्यादा कढ़ाई या फिर बहुत ज़्यादा मैंने हैवी वर्क वाला बिल्कुल भी इस तरह का कुर्ता नहीं लिया है। मैंने सब कुर्ते लिए हैं और सिंपल लिए हैं क्योंकि इसी पे जैसे कि आप लोगों को पता है इतने सिचुएशन बाहर ख़राब हैं, लॉकडाउन है, हम कहीं आ जा नहीं सकते हैं, घर पर रहेंगे ना रिश्तेदारों से मिल सकते हैं ना कहीं फ्रेंड्स से ना कुछ भी, तो इतना और वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा है तो हम कहीं आ नहीं जा सकते, तो फिर इतना ज़्यादा हैवी पहन के कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने सोचा था इस बार मैं सारे सिंपल लूँगी। और ये जो शॉपिंग मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ, जो आउटफिट, ये मैंने रमज़ान से पहले ले लिया था। रमज़ान के 1-2 दिन पहले अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी क्योंकि हम लोग अक्सर उससे रमज़ान से पहले ही ले लेते हैं क्योंकि रमज़ान में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है हम लोग को निकलने में, क्योंकि दिन भर रोज़ा होता है, फिर रोज़े में नहीं जा सकते, फिर शाम को अफ्तारी होती है, फिर उसके बाद टाइम नहीं रहता वापस इतना, तो फिर इसलिए मैंने अपना सारा काम पहले ख़त्म कर लिया था। तो ये मेरा जो है पहला आउटफिट है और सब सिंपल है, सब बहुत ही मैंने सिंपल और थोड़ा सा लाइट रखने की कोशिश की है। तो ये मेरा पहला आउटफिट है जो कि मैंने लिया है। तो सबसे पहले इसका जो कलर है बहुत ही प्यारा सा कलर है, मस्टर्ड कलर का कुर्ता है। और इसके साथ मैंने जो नीचे जो मैं पहनूंगी वो है वाइट कलर का पैंट जो कि बहुत ही सुंदर लगेगा इसके साथ। तो इस पर जो वर्क है वो मिरर वर्क है, इसके गले में जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा शाइन आ रहा है, तो इस तरह का मिरर वर्क है इस पर। अच्छा जो कॉलर है वो इस तरह थोड़ा सा कॉलर वाला गला है। और अगर इसके मटेरियल की बात करूँ तो ये बहुत ही प्यारा सा शिफॉन का कपड़ा है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है ये और पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है। तो ये मैं ईद के पहले दिन पहनूंगी, फर्स्ट डे जो ईद का होगा वो मैं इसके साथ यही पहनूंगी। और इसके साथ मैं वाइट कलर का पैंट पहनूंगी जो कि मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी। और इसके साथ ज्वेलरी भी मैं बहुत सिंपल रखूंगी, सिल्वर ज्वेलरी मैं इसके साथ पहनूंगी, तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो अगर आप इसके साथ मैचिंग ज्वेलरी जो मैं इसके साथ कैरी करूँगी अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तो मैं इसका ब्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा पहला आउटफिट है। और इसका जो साइज़ है ये मुझे मेरे साइज़ का नहीं मिल रहा था और मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने इसे अपने बड़े साइज़ का ले लिया है। तो इसको मैं अपने साइज़ में ऑल्टर करवा के तो मैं वो ठीक कर लूँगी। तो ये और इसकी स्लीव्स इस तरह हैं, एकदम प्लेन इसकी स्लीव्स हैं, बैक एकदम इसकी प्लेन है, कुछ बैक पे नहीं है, बस इस तरह गले पे इस तरह मिरर वर्क है, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा पहनने पे। तो ये इस तरह का मेरा पहला आउटफिट है, इस तरह इसके बटन्स लगे हुए हैं बीच में, तो ये मेरा पहला आउटफिट है। और इसके साथ का जो पैंट है इसके बाद मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो ये है इसका पैंट जो मैं इसके साथ पहनूंगी, ये इस तरह का पैंट है और इस तरह साइड पे इसके इस तरह डिज़ाइंस हैं, ये कुछ बीड्स लगी हुई हैं, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा पहनने पर। और ये यहाँ पे साइड में नीचे से थोड़ा सा कट है, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है और काफ़ी स्ट्रेचेबल कपड़ा है, तो इजीली आपको फिट आएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा इस कुर्ते के साथ पहनने पे। तो ये है इसका पैंट जिसके साथ मैं वेयर करूँगी और इसके साथ वाइट शिफॉन का दुपट्टा है। तो ये मैंने जो पहले ईद का आउटफिट है वो मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है और मैंने तीनों आउटफिट पर कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ थोड़ा सा अलग रखा है कि तीनों दिन कुछ ना कुछ अलग लगे क्योंकि हमें कहीं भी बाहर नहीं जाना है, कुछ भी हम लोग किसी से मिलेंगे नहीं, फ्रेंड्स से सब फैमिली में ही रहेंगे, तो मैंने सोचा इतना ज़्यादा हैवी करना और फिर गर्मी लगेगी, तो इससे अच्छा हम सिंपल रखें, क्लासी हो, थोड़ा सा एलिगेंट लगे और स्टाइलिश भी हो। तो हम ऐसा नहीं कि आप भारी लो, एम्ब्रॉयडर्ड लो और बहुत ज़्यादा वर्क वाला लो तो ही उसके साथ आप स्टाइलिश कुछ कर सकते हैं, आप सिंपल में भी काफ़ी उसके साथ थोड़ा ज्वेलरी हैवी करके ज्वेलरी में थोड़ा सा अलग ही कपड़ा थोड़ा सा यू नो आप उसमें थोड़ा चेंजेस करके आप उसको बहुत ही डिफरेंट कर सकते हैं जिस तरह मैंने किया है। और इसके साथ ज्वेलरी में सिल्वर पहनूंगी तो वो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करेगा और इसके साथ बैंगल भी मैं कुछ अलग करूँगी, तो उसका ब्लॉग अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तो उसका ब्लॉग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये है मेरा पहला आउटफिट पूरा कम्प्लीट और इसके साथ सिर्फ शिफॉन का प्लेन दुपट्टा, तो वो मुझे आप लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये मैं ईद के पहले दिन पहनूंगी। तो अब दूसरे दिन के आउटफिट की दिखाती हूँ मैं आपको पिक्चर। तो दूसरे दिन का आउटफिट जो मैं कैरी करूँगी वो होगा ये ब्लैक कुर्ता विद अ गोल्डन प्रिंट। तो ये पूरा गोल्डन प्रिंट के साथ है, पूरा बैक पे भी और फ्रंट पे भी। और फ्रंट पे जो इसका नेक है वो इस तरह पूरा, ये बिल्कुल भी एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, थोड़ा थोड़ा इस पर जो मिरर लगा हुआ है यहाँ पर ये बस है, बाकी इस पर पूरा ये प्रिंटेड काम है। और इसके स्लीव्स पे इस तरह प्रिंट है और इस तरह ये बॉर्डर है। बैक पे भी पूरा प्रिंट है इसी तरह का सेम। और ये भी रायन कपड़ा है, मैं ज़्यादातर रायन कपड़ा ही पहनती हूँ, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है उसमें। तो ये है। और सेकेंड डे का जो मैंने आउटफिट है वो ब्लैक रखा है। तो सेकेंड डे का आउटफिट जो मैंने ब्लैक रखा है वो इसीलिए क्योंकि पहले दिन हमें थोड़ा ज़्यादा काम होता है, चीज़ें बहुत बनानी होती हैं और पहला दिन होता है तो काफ़ी मतलब बहुत सारा सामान खाने की चीज़ें बनानी होती, काम काफ़ी होता है, सफाई होती है, ये वो बहुत सारा काम होता है। तो इसीलिए उसमें ब्लैक पहनेंगे तो और गर्मी लगेगी, जैसे कि गर्मी का टाइम है, मई चल रहा है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि सेकेंड डे थोड़ा काम कम होता है, चीज़ें कम बनानी होती है, थोड़ा रेस्ट थोड़ा वो होता है, तो मैं सेकेंड डे ये इस तरह का ब्लैक आउटफिट पहनूंगी। वैसे से मैंने आयरन किया था बट ये फिर से थोड़ा सा क्रीज आ गई है तो उसको, और इस तरह राउंड नेक है। जो पहला आउटफिट था उसमें थोड़ी कॉलर थी, इसको मैंने बिल्कुल ही राउंड नेक वाला रखा है। और ये जो मैंने आउटफिट लिया है वो मैंने मीशो से लिया है और बहुत ही सुंदर वर्क है इसके साथ। तो मैंने ये आउटफिट मीशो से लिया है, जो मेरा पहला आउटफिट था उसका मैं सॉरी प्राइस आपको बताना भूल गई थी। जो कुर्ता है वो ऑफ 1200 एंड उसका जो पैंट था वो 500 का था। तो इन टोटल मुझे 1200 का कुर्ता, 500 की पैंट और मुझे 200 का दुपट्टा पड़ा था, तो वो इन टोटल इतना पड़ा था। और ये जो मुझे कुर्ता और ये पड़ा था ये ऑफ 1000 रुपीज़ का पड़ा था। तो इसके साथ इसका पैंट का सेट था और दुपट्टा नहीं था इसके साथ। तो दुपट्टा मैंने इसके साथ थोड़ा अलग किया है, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो ये पूरा मेरा कुर्ता है इस तरह, और नीचे भी इस तरह प्रिंट्स हैं बहुत ही प्यारे बॉर्डर में। तो ये मेरा सेकेंड डे का आउटफिट है। अब बात करते हैं इसके पैंट की जो कि है नेक्स्ट। तो जी ये है इसका पैंट इस तरह, और इसका जो पैंट है वो भी इसी तरह बिल्कुल प्रिंटेड है। और इसका जो पैंट का डाउन बॉर्डर है वो इस तरह बना हुआ है गोल्डन प्रिंट के साथ। तो ये इसका पूरा पैंट है, ये भी रायन का है और ये भी बहुत ही सुंदर है। तो अपने जैसे देखा होगा पहला आउटफिट बहुत सिंपल रखा है मैंने, सेकंड आउटफिट पर थोड़ा सा मैंने प्रिंट दिया है, सेकंड आउटफिट को थोड़ा सा इससे बढ़ाया है, बट ये भी सिंपल है येट और थोड़ा सा उससे अलग है। तो इसके साथ मैं कैरी करूँगी सिल्वर ज्वेलरी, क्योंकि जो ब्लैक के साथ हमेशा सिल्वर ज्वेलरी कॉम्प्लीमेंट करती है हमेशा। अगर आप ब्लैक पहनते हो उसके साथ अगर आप सिल्वर पहनो तो वो बहुत ही अलग सा लुक आता है और वो कपड़े के साथ आपकी ज्वेलरी बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। और अगर नहीं ब्लैक तो फिर आप उसके साथ गोल्डन पहन सकते हैं। वैसे तो आपकी चॉइस, आप ब्लैक भी पहन सकते हो, गोल्डन भी पहन सकते हो, जो आपका दिल कहे, लेकिन सिल्वर एक अलग ही आपके कपड़े को लुक देता है। तो इसमें वैसे मेरे पास सिल्वर नहीं है बट मैं सिल्वर इसके साथ पहनूंगी। क्यों वो क्यों पहनूंगी तो वो आपको मेरे दुपट्टे को देख के पता चलेगा। जो मेरा पहला जो आपने आउटफिट देखा है तो उसके साथ मैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनूंगी। अगर मैं इसके साथ सिल्वर पहनूंगी तो फिर मैं उसके साथ ऑक्सीडाइज दूसरी टाइप की ज्वेलरी पहनूंगी, और अगर मैं इसके साथ गोल्डन पहनूंगी तो फिर मैं पहले वाले के साथ सिल्वर या ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की तरह पहनूंगी। तो ये मेरा है सेकेंड आउटफिट। अब इसके दुपट्टे को देख लेते हैं। तो ये है इसका दुपट्टा, सिल्वर दुपट्टा इस पे है, इसके साथ मैंने रखा है ब्लैक विद सिल्वर का टच। ये आपको थोड़ा वाइट लग रहा होगा इस पे वीडियो में, बट ये आपको, ये मैंने सिल्वर रखा है और इस पे हल्की सी शाइनिंग है जो कि वीडियो में नहीं आपको दिख रही होगी, बट हल्का सा सिल्वर का टच है। तो ये मैंने इसके साथ दुपट्टा थोड़ा सा अलग रखा है ताकि थोड़ा सा कपड़ा थोड़ा सा डिफरेंट लगे और थोड़ा सा लुक आए, ईद वाला लुक थोड़ा सा आना चाहिए। तो इस वजह से, तो इसके साथ अगर मैं गोल्डन नहीं तो सिल्वर ज्वेलरी के साथ कैरी करूँगी तो मेरी हर आउटफिट के साथ अलग ज्वेलरी होगी। तो ये है मेरा दुपट्टा जो कि मैंने लिया था, दिस इज़ फॉर ₹400। और ये भी काफ़ी प्यारा है, इसका बॉर्डर इस तरह इन लोगों ने दिया है साइड में इस तरह, और ये आपको शाइनिंग नहीं दिख रही होगी वीडियो में, बट ये अगर आप ओरिजिनली देखो तो ये काफ़ी शाइन कर रहा है। और ये जो वाइट जितना आपको अगर वीडियो में दिख रहा होगा तो उससे कम है, तो इतना आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है, इस वजह से जितना इसके अंदर है उतना इस तरह ये है इस तरह का, क्योंकि लाइट की वजह से थोड़ा ज़्यादा ये दिख रहा है, बट बहुत ही सुंदर लगेगा। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा हट के इस कपड़े के साथ ही दुपट्टा रखा है। और पहले वाले आउटफिट जैसे आपने देखा बिल्कुल ही प्लेन है, बिल्कुल ही सादा है, नॉर्मल है, क्लासी है,
बट क्लासी है, अच्छा लगेगा तो उसके साथ अगर। और पता है हम हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम कपड़ा बहुत ज़्यादा हैवी लेंगे, बहुत महंगा लेंगे या फिर बहुत ज़्यादा वर्क वाला लेंगे तो तभी वो अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी चॉइस अच्छी है, आप सिंपल लेते हो, और लेकिन अगर आप उसके साथ उसको कैरी कैसे करते हो, उसके साथ ज्वेलरी आप कैसी पहनते हो, उसको कैसे अपने साथ उसको किस तरह उसका अपना टच देते हो, तो वो मेन चीज़ होती है। जैसे मैंने इसके साथ थोड़ा सा अलग दुपट्टा दिया है, अगर मैं इसके साथ बिल्कुल प्लेन ब्लैक दुपट्टा दे देती तो वो अच्छा लगता, लेकिन वो तभी आप ना उसके साथ, आपके साथ कपड़ों के साथ खेल सकते हो, आप उसको किस तरह आप उसको बढ़ाना है क्या करना है वो आपको अपनी सोच के हिसाब से आप कर सकते हो। तो मेरी थोड़ी सी ऐसी आदत है कि मैं हमेशा अपने कपड़ों में थोड़ा सा कुछ अलग देखती हूँ कि बिल्कुल सिंपल या फिर नॉर्मल कपड़ों की तरह थोड़ा सा उसमें हटके चीज़ हो। तो जैसे कि मैंने इसके साथ बिल्कुल थोड़ा सा अलग दुपट्टा दिया है, जैसे कि आजकल फैशन भी है, बिल्कुल आपका पूरा आउटफिट सेम होता है लेकिन उसका दुपट्टा बिल्कुल अलग होता है जो बिल्कुल कपड़े से मैच नहीं कर रहा होता है, क्योंकि आजकल का फैशन है। तो उसी हिसाब से मैंने इसका दुपट्टा भी बिल्कुल इस तरह सिल्वर कलर का रखा है, जिसके साथ मैं ज्वेलरी सिल्वर पहनूंगी तो वो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने कपड़े को किस तरह इन्हेंस करते हो, अपनी ज्वेलरी से, अपने मेकअप से, अपनी स्किल्स से। तो ये मेरा था दूसरा आउटफिट। अब अपने लास्ट आउटफिट की तरफ चलते हैं। तो ये है मेरा थर्ड आउटफिट, चिकनकारी कुर्ता। एंड अगेन तीसरा आउटफिट है बिल्कुल दोनों आउटफिट से अलग, प्लेन है बट इसमें चिकन का वर्क है। तो एज ऑलवेज मैं लखनऊ से हूँ तो मुझे चिकनकारी कुर्ते बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे मैं ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ बट मुझे अच्छे बहुत लगते हैं, तो इसलिए मैंने अब स्टार्ट किया। तो पहला कुर्ता मैंने वैसे ये लिया है, आज भी मैंने चिकन कुर्ता ही पहना हुआ है, मतलब ब्लैक चिकन कुर्ता। अगर मैं आपको दिखा पाती तो मैं तो ये मेरा दूसरा कुर्ता, तीसरा आउटफिट है, चिकनकारी कुर्ता है पिंक कलर का, और इसके साथ मैं जो पहनूंगी नीचे वो होगा चिकन वर्क का प्लाजो, वाइट प्लाजो, बहुत ही लूज प्लाजो होगा। तो वो प्लाजो मैं इसके साथ अभी आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वो मैंने ऑर्डर किया है, तो वो मेरा दो तीन दिन में आएगा, तो फिर मैं वो आएगा तो मैं इसलिए तो आपको इसलिए इसके साथ वीडियो के साथ नहीं दिखा पाऊंगी। और ये जो मेरा कुर्ता था ये मैंने लिया था अमेज़ॉन से, और ये मुझे पड़ा था ₹900 का, और इसके साथ जो दुपट्टा है वो भी बिल्कुल प्लेन वाइट दुपट्टा होगा, और अगर नहीं तो फिर मैं इसके साथ प्लेन चिकन वाइट दुपट्टा लूँगी तो वो इसके साथ थोड़ा सा अलग लुक देगा मुझे। तो ये इस तरह ये कुर्ता है पूरा, और इस पर मिरर चिकन के साथ इस पर थोड़ा मिरर वर्क है, थोड़ा शाइन है, तो ये देख सकते हैं आप इसका वर्क पास से भी, और ये जो इस पर थोड़ा सा मिरर की तरह वर्क है थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा शाइन देता है क्योंकि वीडियो में आपको विजिबल नहीं होगा। तो इस तरह ये लॉन्ग कुर्ता है, और नीचे इस तरह का कुछ पैटर्न है, नीचे थोड़ा सा डिफरेंट कढ़ाई है, थोड़ा बॉर्डर टाइप में दिया है ये इस तरह, और इसका जो नेक है वो इस तरह है और बीच में इस तरह यू शेप में कट है। तो ये भी बहुत सुंदर कुर्ता है जो कि मैं तीसरे दिन कैरी करूँगी। अगेन मेरा पहला आउटफिट जो आपने देखा वो बहुत ही सिंपल बट थोड़ा स्टाइलिश है, सेकंड आउटफिट थोड़ा सा उससे ज़्यादा हाई है, एंड जो थर्ड आउटफिट है वो येट सिंपल है बट आप उसके साथ जब चीज़ें कैरी करोगे तो वो आपको अच्छा लगेगा। इसके साथ भी मैं चाहे तो वाइट पहन सकती हूँ, चाहे सिल्वर पहन सकती हूँ, चाहे झुमका पहन सकती हूँ, पिंक कुछ कैरी कर सकती हूँ, तो थोड़ा सा कुछ मल्टी कलर या फिर ऐसा कुछ कैरी कर सकती हैं। तो उसकी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तीनों आउटफिट्स आपके आज के जो मेरे हैं ईद के वो आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर दिस ब्लॉग।